तो भाई वेलकम बैक। तो भाई किस्सा कुछ ऐसा है, रियलमी 8 प्रो फाइनली पूरी तरीके से लीक हो चुका है और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे जैसे लेकिन फॉरेन यूट्यूबर टेक स्प्रूट के ज़रिए। इन्होंने कैमरा सैंपल्स और बॉडी वगैरह डेयर टू लीप ब्रांडिंग के साथ में पूरी तरीके से रिवेल कर दी है और सेडी ब्लैक वेरेंट में ये डिवाइस अभी लीक हुआ है। इंडिया में रियलमी 8 सीरीज़ को लेकर के कतई कमाल का माहौल क्रिएट हो चुका है दोस्तों। कई लोगों ने रियलमी नोट 10 एंड प्रो मैक्स भी परचेज़ नहीं किया है, रियलमी 8 सीरीज़ का वेट कर रहे हैं। 24 मार्च को तो ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपकी एक्साइटमेंट को और भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए। रियलमी 8 एंड 8 प्रो के फुल स्पेसिफिकेशन को कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर, इसकी फ्लिपकार्ट अवेलेबिलिटी और इंडियन प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट, चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। वैसे मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ, रियलमी 8 अपने 4G मॉडल के साथ में लॉन्च होगा, मीनवाइल रियलमी 8 प्रो अपने 4G और 5G मॉडल के साथ में लॉन्च होगा और ये चीज़ पहले ही लीक हो चुकी है। रियलमी ने जो टीज़र लाला था ना दोस्तों, उसमें आपको 108 MP का मेन सेंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो 100% तय है कि 108 MP वाला रियलमी स्मार्टफोन एग्जिस्ट करेगा 24 मार्च को। तो चलो देरी नहीं करते, रियलमी 8 प्रो के सारे स्पेसिफिकेशन को पहले कवर करते हैं। रियलमी 8 प्रो का डिज़ाइन तो वैसे प्रीवियसली रिवील हो गया था रियल मी कैमरा इनोवेशन इवेंट के जरिए, जहां पे आपको 108 MP वाला मेन सेंसर देखने को मिला था। इसके अलावा ये जो कैमरा सेंसर होगा दोस्तों, वो अपने कुछ हेवी वेट इन हाउस कस्टमाइजेशन के साथ में आने वाला है। रियलमी 8 प्रो के अंदर आपको सैमसंग HN2 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, साथ में 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर होगा और 2 MP का माइक्रो सेंसर मिलेगा। पंच होल डिजाइन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही 108 MP मेन सेंसर के अंदर 3x जूम, स्टारी मोड, टिल शिफ्ट और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। और ये जो सेंसर दोस्तों 9-in-1 पिक्सल बीनिंग पे काम करेगा, यही सेंसर दोस्तों Xiaomi ने आपको अवेलेबल करवाया था Redmi Note 10 Pro Max के अंदर, जिससे जो लो लाइट इमेजेस है ना, वो काफी अच्छी और ब्राइट निकल के सामने आती है। भाई डिजाइन वगैरह तो ठीक है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि Realme 8 सीरीज अपनी प्लास्टिक बॉडी के साथ में ही लॉन्च होने वाली है। Realme 7 सीरीज के स्मार्टफोन भी प्लास्टिक बॉडी के साथ में ही लॉन्च हुए थे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों कि Realme 8 सीरीज अपनी प्लास्टिक बॉडी के साथ में ही लॉन्च होने वाली है, क्योंकि 5G चिपसेट भी देने वाला है, 4G स्मार्टफोन भी होगा, 108 MP वाला मेन सेंसर भी होने वाला है। तो दोस्तों हो सकता है यहाँ पे प्राइस कट वगैरह करने के लिए प्लास्टिक बॉडी आपको प्रोवाइड की जाए। वैसे आप Realme 8 Pro के रियर कैमरा से 4K वीडियोस को 120 FPS पर रिकॉर्ड कर सकोगे, इसके अलावा आपको 8K रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। Realme 8 Pro को रिसेंटली इंडोनेशिया की टेलीकॉम वेबसाइट पे स्पॉट किया गया था, जहां से कंफर्म हो गया था कि 6GB ऑफ रैम, 8GB ऑफ रैम इस स्मार्टफोन के साथ में आपको मिलेगी, साथ में 128GB ऑफ इंटरनल मेमोरी इसके अंदर आपको मिलेगी, साथ में Realme UI 2.0 बेस्ड Android 11 आपको इसके साथ में मिल जाएगा। मतलब एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आप इस डिवाइस के साथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 4500 mAh की एक बैटरी मिलेगी आपको, साथ में 50W की सुपर डट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। Realme 7 Pro के अंदर 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट इस डिवाइस के साथ में आपको मिलेगा और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60Hz ही होने वाला है दोस्तों। और मे बी ये प्राइस कट का सबसे बड़ा पॉइंट है, 90Hz एटलीस्ट होना जरूर था यार। प्रोसेसर में 4G वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G और ये 100% क्यों, 101% कन्फर्म्ड स्पेसिफिकेशन है हार्डवेयर डिपार्टमेंट में। और जो 5G वेरिएंट है उसमें अभी भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बाकी 176 ग्राम का वेट मिलेगा और 8.1 mm की थिकनेस मिल जाएगी। चलिए Realme 8 के स्पेसिफिकेशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। Realme इंडिया के CEO ने अपना एक पोस्ट किया था इमेज, जिसमें Realme 8 की इमेजेस लीक हो गई थी और इसके ज़रिए पता चला था कि 6.4 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिल जाएगी, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट को ही सपोर्ट करेगी। मे बी हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है कि 60Hz का रिफ्रेश रेट ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात करते दोस्तों, MediaTek Helio G95 वाला प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है, विच इज़ आइडेंटिकल टू G90T 2.05 GHz की मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलती है। 12 nm FineFT प्रोसेस पे ये प्रोसेसर बना हुआ है और यहाँ पे आपको Mali G76 वाला GPU देखने को मिल जाता है। 4 cluster GPU और 900 MHz पे इसको क्लॉक किया गया, मतलब गेमिंग वगैरह आपको अच्छी खासी प्रोवाइड कर सकता है। बैटरी इसमें आपको मिल जाएगी 5000 mAh की एक बड़ी सी दमदार बैटरी, साथ में 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। सीरियसली 30W की फास्ट चार्जिंग से थोड़ा सा बेटर फास्ट चार्जिंग आपको मिलना जरूरी था इसके साथ। Realme UI 2.0 के साथ में Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया Realme 8 Pro के केस में कि यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी ही देखने को मिल जाएगी। बाकी कैमरास वगैरह तो टीजर के जरिए लीक हो चुके हैं। 64 MP का मेन सेंसर मिलेगा, जो कि मे बी Sony IMX686 वाला सेंसर होगा, साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस,
डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर आपको मिलेंगे। भाई Realme 8 Pro का 5G वेरिएंट एक्सिस्ट करना चाहिए 24 मार्च को, क्योंकि वेट करना है तो 5G वेरिएंट के लिए ही करना है, नहीं तो वेट करना बेकार है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 750G वाला 5G वेरिएंट मिल सकता है, क्योंकि Realme 8 Pro के अंदर आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं अभी फाइनली हम लोग प्राइजिंग की दोस्तों, इंडिया के अंदर प्राइजिंग क्या आने वाली है Realme 8 एंड Realme 8 Pro की। ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूँ दोस्तों, Realme 8 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन पिछले जो लास्ट जनरेशन है उसके सेम प्राइस ब्रैकेट के साथ में लॉन्च होने वाले हैं। मतलब यही है दोस्तों, Realme 7 Pro 19,999 रुपये की प्राइसिंग से लॉन्च हुआ था, मतलब 20,000 की प्राइसिंग में लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। तो अभी ये प्रोबेबिलिटी है कि Realme 8 Pro आपको 20,000 की रेंज में ही देखने को मिल जाएगा, और जो Flipkart की अवेलेबिलिटी है वो भी ऑफिशियल लैंडिंग पेज के जरिए कंफर्म हो चुकी है। Realme 8 में आपको हाई एंड फ्लैक्सिबल स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, इसलिए इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगा। बाकी Realme 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपको Realme 7 की प्राइसिंग में ही देखने को मिलेगा, मतलब इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो 15,000 रुपये से शुरू होने वाली है। भाई अब आपके सामने Realme 8 सीरीज़ के सारे स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, अब आप बताओ कि आप Realme 8 सीरीज़ का वेट क्यों कर रहे हो, और क्या आपको लगता है Realme 8 सीरीज़ से क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इन सारे स्पेसिफिकेशन को जानने के बाद में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसी ही लीक्स वगैरह देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो लाइक वाली बात मैंने अधूरी छोड़ दी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई अगर क्वेरी होगी लाइक कुछ कमियां होगी वीडियो के अंदर तो एक बार ज़रूर बताना, बिकॉज जो लाइक्स वगैरह है आजकल मैं देख रहा थोड़े बहुत कम हो रहे, तो उसका भी मुझे कुछ रीज़न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।